हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एमएस राइड्स में। आज के इस वीडियो में आप देख रहे हैं हीरो स्प्लेंडर प्लस ब्लैक एंड स्पोर्ट रेड एडिशन का डिटेल्स रिव्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको इस बाइक का व्यू दिखाना चाहूँगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस बाइक का राइट साइड प्रोफाइल। तो इस कलर में यह बाइक काफ़ी शानदार लग रही है। जो स्पोर्ट रेड एडिशन है, स्पोर्ट रेड कलर है, इस कलर में यह बाइक काफ़ी शानदार लग रही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस बाइक का राइट साइड प्रोफाइल। तो मैं आपको यहाँ पे अब दिखाना चाहूँगा इस बाइक का लेफ्ट साइड प्रोफाइल। और अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस बाइक का लेफ्ट साइड प्रोफाइल। तो इस कलर में यह बाइक काफ़ी शानदार लग रही है देखने में। और 2022 मॉडल में इस बाइक में क्या क्या नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, क्या अपडेट किया गया है, और इस बाइक का ऑन रोड प्राइस कितना होने वाला है, और आपको कितना इसमें माइलेज मिलने वाली है, तो ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाइक को फ्रंट से आप देखेंगे तो फ्रंट वाइजर पे हीरो का लोगो और स्प्लेंडर प्लस लिखा मिल जाएगा। और इस बाइक का जो हेडलैम्प दिया हुआ है स्क्वायर शेप में है, जैसा कि रेगुलर स्प्लेंडर प्लस में आता है। सेम वही हैलोजन बल्ब का हेडलैम्प इसमें दिया हुआ है। और साइड में, दोनों साइड में आप देखेंगे तो आपको जो ग्राफिक्स मिलने वाली है रेड और ग्रे कलर की, कुछ इस तरह से ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है दोनों साइड में। राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड में आप देखेंगे तो इस तरह से ग्राफिक्स किया गया है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। टर्न इंडिकेटर की बात करें तो इसमें जो टर्न इंडिकेटर लगा हुआ है, 12 वाट के हेलोजन बल्ब के इंडिकेटर लगे हुए हैं फ्रंट और रियर दोनों साइड में। अब बात करें इस बाइक के फ्रंट सस्पेंशन की, तो इस बाइक में जो फ्रंट सस्पेंशन दिया हुआ है, टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर दिया हुआ है फ्रंट में। और आप यहाँ पे देखेंगे इस बाइक का जो मडगार्ड है टोटली ब्लैक कलर का दिया हुआ है, इस पे आपको कोई ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो फ्रंट में आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम मिलने वाले, इसमें 130 mm का ड्रम ब्रेक दिया हुआ है। और व्हील साइज आपको मिलने वाली इसमें फ्रंट में 18 inches का व्हील साइज दिया हुआ है, जिसमें आपको टायर जो मिलता है इसमें 18x100 18 inches का इसमें ट्यूबलेस टायर फ्रंट में दिया हुआ है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस बाइक के टैंक पे जो ग्राफिक्स किया गया है कुछ इस पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा। बीच में आप देखेंगे हीरो का लोगो और हीरो की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगा। और जो यहाँ पर कलर कम्बिनेशन दिया गया है व्हाइट और ग्रे कलर और रेड कलर, तो इस कलर में आपको यह बाइक काफ़ी शानदार लगती है देखने में। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पावर स्टार्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस बाइक का इंजन सेगमेंट, तो इंजन पे आप देखेंगे हीरो की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस बाइक का जो लेफ्ट साइड पैनल है, आपको इस तरह से ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। स्प्लेंडर प्लस यहाँ पे 3D में लिखा हुआ है, तो सेम ही पैटर्न आपको राइट साइड में भी देखने को मिलेगा। और इस बाइक का यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम है, गियरबॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पिलियन फुटरेस्ट, यहाँ पे इस बाइक का रियर सस्पेंशन है। और यहाँ पे देखेंगे जो ग्राफिक्स दिया गया है। सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो इसमें कंपनी की तरफ से काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसमें सीट लगा हुआ है, जो आपको काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड करने वाला है पिलियन और राइडर दोनों के लिए। अब इस बाइक को राइट साइड से भी देखेंगे तो टैंक पे जो ग्राफिक्स आपको मिलने वाला है, जैसा कि लेफ्ट साइड में था, सेम वही पैटर्न आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बीच में आप देखेंगे हीरो का लोगो और हीरो की ब्रांडिंग की गई है। जो कलर कम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है सेम वही, जैसा कि लेफ्ट साइड में आपने देखा, सेम वही ग्राफिक्स पैटर्न आपको राइट साइड मिलने वाली है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पावर स्टार्ट फ्यूल इंजेक्शन इसमें लगा है, प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसमें लगा हुआ है इस बाइक में। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस बाइक का जो इंजन लगा हुआ है कुछ इस तरह से, हीरो की ब्रांडिंग यहाँ पे की गई इंजन पे। और आप यहाँ पे देखेंगे इस बाइक का किक दिया हुआ है। और साइड पैनल पे आप देखेंगे तो आपको सेम वही ग्राफिक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा रेड और ग्रे कलर का, और यहाँ पे स्प्लेंडर प्लस 3D में लिखा हुआ है। बात करें इस बाइक के रियर सस्पेंशन की, तो इस बाइक में रियर सस्पेंशन आपको मिलने वाली है 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर दिया हुआ है। रियर व्हील साइज की बात करें तो रियर में आपको 18 inches का व्हील साइज दिया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे जो टायर साइज आपको मिलने वाला है रियर में 18x100 18 inches का इसमें ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है रियर में भी। रियर में भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो ग्राफिक्स देखने को मिलेगा ग्रे और रेड कलर का ग्राफिक्स रियर में भी देखने को मिल जाएगा। और टर्न इंडिकेटर आपको 12 वाट के हैलोजन बल्ब के लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस बाइक का एग्जॉस्ट सिस्टम। बात करें इस बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इस बाइक में आपको 9.8 liter का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है इस बाइक में। और इसमें आप देखेंगे पीछे की साइड में तो टेल सेक्शन आपको मिलने वाली है, हेलोजन बल्ब का टेल लाइट इसमें पीछे एक साइड में दिया गया है। और इसमें आपको कैरियर भी मिलने वाला है, जैसा कि स्प्लेंडर के सभी बाइक्स में आता है कैरियर, तो इस बाइक में भी आपको कैरियर मिलने वाला है। स्विचेस की बात करें तो बाइक के लेफ्ट हैंड बार पे आप देखेंगे तो पासिंग लाइट का स्विच, टर्न इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच दिया गया है बाइक के लेफ्ट हैंड बार पे। और राइट हैंड बार पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पावर स्टार्ट का स्विच दिया गया है।
अब बात करें इस बाइक के मीटर कंसोल की, तो आपको इस बाइक में जो मीटर कंसोल मिलने वाला है एनालॉग मीटर दिया हुआ है, तो इसमें आप स्पीडोमीटर के लिए और फ्यूल इंडिकेशन के लिए आपको इसमें एनालॉग मीटर लगा मिल जाता है। जैसे आप बाइक को ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पर इंजन चेक की लाइट यहाँ पे देख पा रहे होंगे और न्यूट्रल की लाइट ऑन होती हुई दिखेगी, और आप यहाँ पर देखेंगे स्पीडोमीटर में तो साइड स्टैंड का यहाँ पर इंडिकेशन आपको मिलने वाला है। तो मैंने यहाँ पर साइड स्टैंड को लगा दिया हुआ है, ऑन कर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो साइड स्टैंड आपका ऑन है, तो यहाँ पर इसकी लाइट ऑन होती हुई मिलेगी। तो आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर में इंडिकेशन मिल जाएगा कि आपका साइड स्टैंड ऑन है। इंजन की बात करें इस बाइक में, तो इस बाइक में जो इंजन लगा हुआ है 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इसमें एयर कूल्ड इंजन लगा हुआ है, जिसमें आपको जो मैक्सिमम पावर मिलती है 7.91 bhp की एट 8000 rpm पे मैक्सिमम पावर मिलती है। मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलता है इसमें 8.05 nm का एट 6000 rpm पे आपको इस मैक्सिमम टॉर्क मिलता है इस बाइक में। अब बात करें इस बाइक के डायमेंशंस की, तो इस बाइक का जो कर्व वेट दिया हुआ है वो 110 kg का दिया है, और इसमें आपको जो ओवरऑल हाइट मिलने वाली है 1052 mm का इसमें ओवरऑल हाइट दिया हुआ है। ओवरऑल लेंथ की बात करें तो इसमें आपको 2000 mm का इसमें ओवरऑल लेंथ मिल जाती है इस बाइक में, और ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे तो आपको इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है 165 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है। व्हील बेस आपको इसमें मिलने वाली है 1236 mm का इसमें व्हील बेस दिया हुआ है। सीट हाइट की बात करें तो इसमें आपको जो सीट हाइट मिलने वाली है स्प्लेंडर प्लस में 785 mm का इसमें सीट हाइट दिया हुआ है। दोस्तों अब बात करें इस बाइक के ऑन रोड प्राइस का, तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस होने वाला है वाराणसी में, तो यह डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हैं स्प्लेंडर प्लस का, i3s ले रहे हैं या नॉन i3s ले रहे हैं, या USB चार्जिंग पोर्ट वाली ले रहे हैं या नॉन USB वाली ले रहे हैं, तो यह डिपेंड करता है आप कौन से वेरिएंट ले रहे हैं, तो उस पर आपका ऑन रोड प्राइस आपका डिफरेंट हो सकता है। तो मैक्सिमम आपका जो प्राइस होने वाला है 84,000 के अराउंड इसका ऑन रोड प्राइस होने वाला है। और दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 100 सीसी सेगमेंट में यह काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाने वाली बाइक है और बेस्ट सेलिंग बाइक में से एक है, और डेली यूज़ के लिए सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली बाइक है, और इसमें आपको सबसे ज़्यादा माइलेज भी मिलता है, तो आप इसे डेली यूज़ के लिए कम्यूटर बाइक की तरह इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हीरो स्प्लेंडर प्लस ब्लैक एंड स्पोर्ट रेड एडिशन का डिटेल्स रिव्यू। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए बाइक के साथ, किसी नए रिव्यू के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।